माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा स्कूली वाहनों के संचालन हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा ग्वालियर बाईपास और पोहरी चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बसों की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और ड्राइवरों के लाइसेंसों का परीक्षण करना था। चेकिंग के दौरान स्कूली बच्चों में फर्स्ट एड किट एवं अग्निशमन यंत्रों व अन्य सुरक्षा उपकरणों को भी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान कुल 31 स्कूली बसों को चेक किया गया, जिसमें माउंट इंटरनेशनल स्कूल, किड्स स्कूल और एसडीएम पब्लिक स्कूल की बसों में अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एंड बॉक्स नहीं पाया गया, जबकि ईस्टर्न हाइट स्कूल की बस का अग्निशमन यंत्र चालू हालत में नहीं था एवं दून पब्लिक स्कूल की बस में फर्स्ट एंड बॉक्स नहीं पाया गया। मौके पर बस चालकों को समझाइश दी गई कि बसों में सुरक्षा उपकरणों की स्थिति सही हालत में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, साथ ही निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे न बिठाएं। सभी वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूली वाहनों हेतु 18 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का पालन करें। चेकिंग के दौरान कमी पाए गए वाहनों के स्कूल संचालकों को उक्त कमियों की अति शीघ्र पूर्ति करने हेतु नोटिस जारी किए जाएंगे, साथ ही कमी पाए गए वाहनों के प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किए जाएंगे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये देखिए, अभी लगभग 2-3 दिन पहले एक स्कूली बस में आग लग गई थी, हादसा हो गया था। इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन चूंकि एक बहुत ही गंभीर हादसा था और इस प्रकार की हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, तो यातायात पुलिस लगातार ऐसी स्कूली बसों की चेकिंग करती रहती है। तो आज भी यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा लगभग सभी स्कूली बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है स्कूली बसों को संचालन को लेकर, उनके तारतम्य में जो नियम है उनका पालन स्कूली बसों द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज ये चेकिंग पौरी चौराहे पर और ग्वालियर नाके 2 पॉइंट लगा के विशेष रूप से स्कूली बसों की चेकिंग कर रहे हैं, और यदि किसी बस में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोई कमी पाई जाती है तो उसके ऊपर हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी कितनी भी बसों की चेकिंग अभी तक आपके द्वारा की गई है? अभी पौरी चौराहे पे मैं स्वयं चेकिंग में हूँ, यहाँ पे हमने अभी लगभग 12 बसों की चेकिंग की है और लगभग सभी बसों के दस्तावेज पूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो कमियाँ हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी एग्जिट वगैरह सभी चेक कर रहे हैं, जिसमें जो भी कमी अगर दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।